कहानी 39। यीशु पर मुकदमो चाले है। अब ओ आधी रात को समय हो, वो सैनिक यीशु ने महायाजक के घर ले आयो, क्योंकि बे यीशु सागे सवाल करना चाहता हा। पतरस दूर मुंह बिंगो पीछो करन लाग रहे हो। जद सैनिक यीशु ने घर में ले गया तो पतरस बाहर रुक गए, आपने आग मुंह गर्म करन लाग गयो। घर के भीतर यहूदी अगवा यीशु पर मुकदमो चलायो। बे बिंगे विरुद्ध झूठी बातां ने बोलन खातिर बहुत से झूठे गवाहां ने ले गे आया। फिर भी बांगी बातां एक दूसरे मुंह सहमत कोनी ही। ई खातिर यहूदी अगुआ ओ साबित कोनी कर सकया के वो कोई बात में दोषी हो। यीशु कुछ भी कोनी के हो। आखिर मैं महायाजक सिद्धो यीशु कानी देख गे के हो, मन ने बता के तू ही जीवित परमेश्वर को पुत्र मसीह है। यीशु के हो, मैं हूं। अर्थे मन्ने परमेश्वर के सागे बैठे होयो और स्वर्गदूता मुंह आंतो होयो भी देखोगा। महायाजक आप गए कपड़ा फाड़ लिया, क्योंकि जिको की यीशु के हो भी बात पर बहुत गुस्सो हो। वो अन्य प्रधाना पर चिल्लायो, माने ओ बताण खातिर कोई और गवाह की जरूरत कोनी है कि ई आदमी के करयो है। थे आप ही बिने ओ केन तो सुन लियो है कि वो परमेश्वर को पुत्र है। बिंगे खातिर थारो के फैसलो है। सारा यहूदी अगुआ महायाजक ने जवाब दियो, वो मरन गए लायक है। जद बे यीशु की आंखा पर पट्टी बांध दी, बिंगे पर थूक्यो, बिना मारियो और बिंगो मजाक उड़ायो। और पतरस जद वो घर गए बाहर इंतजार करन लाग रहे हो, जद एक दासी लड़की बिने देख गए बने बिने के हो, तू भी यीशु का सागे हो। पतरस इनकार कर दियो, बाद में कोई अन्य लड़की ई बात ने के हो। और पतरस फिर इनकार कर दियो, आखिर मैं कुछ लोगा के हो, माने पतो है कि तू यीशु का सागे हो, क्योंकि थे दोनों गलील का हो। जद पतरस के हो, जे मैं ई आदमी ने जानतो हूं तो परमेश्वर मन ने श्राप देवे। पतरस गए ई तरह शपथ खान के बाद एक मुर्गे बांग दी। यीशु पीछे मुर्गे पतरस ने देखो। पतरस बठू जानतो रहो और फूट फूट गए रोयो। बी समय यीशु ने पकड़वाण आलो यहूदा देखो कि यहूदी अगवा यीशु ने मृत्यु दंड दियो है। यहूदा बहुत दुखी हो गयो और जागे आपने मार दियो। अब भी देश को राज्यपाल पिलातुस हो, वो रोम के खातिर काम करतो हो। यहूदी अगुआ यीशु ने बिंगे कन्ने ले गे आया। वे चाहता हा के पिलातुस बिने मृत्यु दंड देवे और बिने मार देवे। जद पिलातुस यीशु ने पूछो के तू यहूदियों को राजा है, यीशु जवाब दियो, तू सच ही क्यों है, पर मेरो राज्य हटे पृथ्वी को कोनी है। जे होन तो मेरा दास मेरे खातिर युद्ध करतो। मैं पृथ्वी पर परमेश्वर के बारे में सच बताने के खातिर आयो हूँ। हर एक जन जिको सच सागे प्रेम करे है वो मेरी सुने है। पिलातुस क्यो तो सच के है। यीशु सागे बात करने के बाद पिलातुस बाहर भीड़ के कन्ने जागे क्यो, मैं इसो कोई कारण कोनी पाऊं के वो आदमी मरन के लायक है। पर यहूदी अगुआ और भीड़ चिल्ला के क्यो, बिना क्रूस पर चढ़ा दियो। पिलातुस जवाब दियो, वो कुछ भी गलत करन गो दोषी कोनी है। पर बे और भी ऊंची आवाज में चिल्लान लग गया। जद पिलातुस तीसरी बार क्यो, वो दोषी कोनी है। पिलातुस डर गयो के भीड़ दंगो शुरू कर देवेगी। ई खातिर वो आप गए सैनिका के द्वारा यीशु ने क्रूस पर चढ़ाण खातिर मान गया। रोमी सैनिका यीशु ने कोड़ा लगवाया और बिने राजा आला कपड़ा पहनाया और बिंगे सिर पर कांटा मुंह बने मुकुट रखियो। जद बे ओ के गे बिंगो मजाक उड़ान लाग गया, देखो यहूदियों को राजा।